हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। दोस्तों, रेलवे ALB CBT 3 यानी कि साइको टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड पब्लिश कर दिया गया है। जो कैंडिडेट ALB CBT 3 के लिए सिलेक्शन हुए हैं, जाके किसी भी RRB के ऑफिशियल साइट से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, साइको टेस्ट जाने से पहले, ठीक है, जब आप लोग साइको टेस्ट जाने देने जाइएगा, इससे पहले गाइडलाइन को जरूर एक बार देख ले। तो गाइडलाइन में क्या है, चलिए एक बार मैं आपको बता दूं, और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ कि क्या क्या गाइडलाइन में आपको फॉलो करने होते हैं और किस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है जो साइको के लिए सिलेक्शन हुए हैं, सहायक लोको पायलट के लिए। तो देर या इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह परीक्षण, ये जो साइको टेस्ट लिया जाता है, इनका मेन उद्देश्य क्या रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको पता चलता है कि आपकी क्षमता क्या है, यानी कि आपको भी इसमें बहुत ही मतलब सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो जिनका मेंटलिटी बहुत स्ट्रांग हो, जिसके निर्णय लेने का और जिसका साइको यानी कि मनचित्र जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, बस उन्हीं कैंडिडेटों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। परीक्षण हल करने में जिस कौशल की ज़रूरत होती है, वो आपके जॉब में भी उपयोगी है। इसका निर्माण बहुत ही सावधानी से किया जाता है ताकि वे सभी अभ्यर्थियों के लिए निष्पक्ष हो। इन परीक्षणों पर सफलता जॉब के साथ आपके सामंजस्य को भी सुनिश्चित करती है। उसके बाद आगे भी विशेष जॉब के लिए सही तरह के लोग मिलते हैं। साइको टेस्ट लेने से RRB को उन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है जो जिसके मेंटलिटी अच्छी हो, जिनको पकड़ ज़्यादा रहता है किसी भी चीज़ पे। परीक्षणों से हमें आपकी शक्तियों एवं कमजोरियों का निष्पक्ष मूल्यांकन मिलता है। जो लोग परीक्षणों में अच्छा करते हैं, सामान्यतः जॉब में भी वो सफल रहते हैं, यानी कि वो अपने काम में भी सफल रहते हैं जो उनके लिए काम दिए जाते हैं। उसके बाद साइको टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। मेमोरी टेस्ट है, फॉलोइंग डायरेक्शन एंड टेस्ट है, दिशा निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण, डेप्थ प्रिपरेशन प्रिसेप्शन टेस्ट, दूरी प्रत्यक्षीकरण परीक्षण, उसके बाद टेस्ट और पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन अवलोकन शक्ति परीक्षण, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे वन बाय वन करके सर, जैसे सिंपल टेस्ट में आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टडी द मैप, इस मैप को स्टडी करिए और किस बॉक्स में कौन से हैं वो यहाँ पे आपको फिलअप करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार जरूरी से फॉलो कर लीजिएगा, आप लोग इस साइको दे दीजिएगा, इस पेज का, इस PDF का डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से, और वहाँ पे सारे क्वेश्चन का एक बार जरूरी से रिव्यू कर लीजिएगा। हो सकता है इसमें से कोई आपको टकरा जाए और आपको सॉल्व करने के लिए कुछ सेकेंड जो है आपको कम लगे, तो वहाँ पे सेकेंडों का वैल्यू रहता है। तो बहुत ही अच्छी है, PDF में अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं और साथ में गाइडलाइन भी दिए हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो लोग नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये थी इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए।